रेडी हो ना आप लोग? पेज नंबर कितना बाबू? कोचिंग का बुक से पेज नंबर 51 निकाल लीजिए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करें क्या? देखो भाई बाबू, कंट्रोलिंग क्या होता है? तो प्लानिंग पढ़ाने के बाद कंट्रोलिंग पढ़ाना उचित हो जाता है, क्योंकि प्लानिंग और कंट्रोलिंग का एक गहरा संबंध है। कैसा संबंध है? गहरा। ये कैसा बात पढ़ा रहे, गहरा संबंध? क्या यही क्वेश्चन एग्जाम में? हाँ, यही क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज, पूछता है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर रिलेटेड अनरिलेटेड? तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग में एक अच्छा संबंध है, क्लोज रिलेशन है। प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग नहीं, कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग नहीं, ठीक? उसी तरह से जिस तरह से आप कहते हो ना कि मेरे बिना तुम नहीं, तुम्हारे बिना हम नहीं, वैसे प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग है या कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग है। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग का क्लोज रिलेशन है। वो कैसा वाला रिलेशन? क्लोज। तो अभी आपको हम क्या पढ़ाने आ रहे, बताइए, प्लानिंग की कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग बोलिए ना। कंट्रोलिंग, सुनिए, सबसे पहला बात, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का पहला काम क्या था? प्लानिंग। लास्ट फंक्शन क्या है? तो सर बीच वाला काम कौन सा है? ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ये सब बीच वाला काम है। कैसा काम है बाबू? बीच वाला। और पहला काम कौन सा बताइए? प्लान। और लास्ट काम? कंट्रोलिंग। पहला, लास्ट, कंट्रोलिंग। हम पूछ रहे, बताइए व्हाट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? कंट्रोलिंग। बोलो। कंट्रोलिंग। बोलिए ना प्लीज। कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन कौन सा बाबू? कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन कौन सा बताइए? कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग जो है वो मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है। पहला पॉइंट ये पढ़ो, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार बंगाल बोर्ड वाला दे चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? कंट्रोलिंग। क्या बाबू? बोलिएगा। इजी तो है, देखिए जब आप क्लास में पढ़ते हो ना तो आपको हर चीज इजी लगता है, जब आप पेपर सॉल्व करेंगे उसमें आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब टॉपिक आपको याद रहना चाहिए, इसीलिए एग्जाम का माहौल अलग होता है। तो बाबू कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन। कंट्रोलिंग क्या होता है और कंट्रोलिंग में हम लोग क्या करते हैं वो आपको बताते, देखिए कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है जहां पर हम लोग अपना स्टैंडर्ड को अपना एक्चुअल से कंपेयर करते हैं। अपना किसको बाबू? अपना किससे? अपना किसको? किससे? अपना स्टैंडर्ड को हम लोग अपना एक्चुअल से कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके देखते हैं कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गया, और अगर कुछ गलती हो गया है तो उस गलती को हम लोग सुधारने का कोशिश करते हैं। तो कंट्रोलिंग एक मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है जहां पर एक मैनेजर अपना टारगेट को अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच करता है और देखता है कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गया, और अगर कुछ गलती हो गया उसको हमें सुधारने का कोशिश करते हैं। कैसे? आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे रोज आपने प्लान किया, आप लोग का बात बता रहे हैं, सपोज आप लोग में से कोई बच्चा को आर्मी में जाना है, उसको आर्मी में नौकरी करने का शौक है, आर्मी में जाना चाहता है, और आर्मी में जाने के लिए आप क्या करते हैं, रोज सुबह दौड़ने के लिए जाते हैं। तो सुबह आप सोचे थे कि आप 5 किलोमीटर रोज दौड़ेंगे, आप रोज 5 किलोमीटर दौड़ने का टारगेट बनाए थे, ये आपका स्टैंडर्ड हो गया। लेकिन क्या हुआ ना कि रोज जब आप घर से निकलते हो और आप 0.5 किलोमीटर दौड़ते हो, उसके बाद आपका मोबाइल में मैसेज आता है, गुड मॉर्निंग बाबू, क्या आता है? गुड मॉर्निंग। और आप वहीं पे बैठ जाते हैं, जहां पे रहते हैं वहीं पे बैठ जाते हैं, और बैठ करके फिर आपका कदम आगे चल नहीं पाता है, बस समझे ना, तो आपका कदम जो है वो आगे बढ़ नहीं पाता है और आप अपना गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो फिर रोज जब रात को आप सोने के लिए आते हैं तो फिर आपको लगता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि आप मिलाते हो, आप देखते हो कि हमको जाना कितना किलोमीटर था, गए कितना किलोमीटर, जाना कितना था, गए कितना, क्यों नहीं जा पाए 4.5 किलोमीटर, क्योंकि आपको पता चला कि आप माया जाल में फंस चुके। इसमें फंस चुके आप, माया जाल, आप माया जाल में फंस चुके, आप गलत दिशा में जा चुके, आपका जिंदगी बर्बाद होने वाला है, कैसे नहीं ना, आप अलग दिशा में जा रहे, हम समझ गए कि हाँ माया, मोह माया, जो भी बोलिए आप, उसको माया जाल में आप ग्रसित हो चुके। तो फिर आप अगला दिन सोचेंगे नहीं, आप मोबाइल बंद करके जाएंगे, ठीक है? फिर अगला दिन आप दौड़ने के लिए प्लान किए, इस बार सोचिए कि आज 10 किलोमीटर दौड़ेंगे, मोबाइल लेके ही नहीं गया, आपका जो दोस्त है वो आपका सामने आ गया, अब तो आप उतना भी नहीं जा पाए जितना जा रहे थे, 0.5 किलोमीटर भी नहीं दौड़। तो देखिए हर बार अपना टारगेट, सुनो, एक इंसान जब अपना टारगेट तक नहीं पहुंच पाता है ना तो कुछ ना कुछ गलती वो किया हुआ रहता है। हम कोई भी आदमी, जब हम लोग अपना टारगेट तक नहीं पहुंच पाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हम लोग करते हैं जो हम लोग को पता नहीं चलता। तो कंट्रोलिंग क्या करता है? कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है जहां पर एक मैनेजर अपना स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करता है, और अगर वो देखता है कि कुछ कमी रह गया है तो वो ये कोशिश करता है कि कमी को कैसे दूर किया जाए। तो कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प्स टू कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन, अगर कुछ कमी है, अगर कुछ कमी है तो वो कोशिश करके आ जाता है कि उस कमी को हम लोग कैसे दूर करें। यस और नो बच्चों?
तो जल्दी बताइए ना, कंट्रोलिंग फर्स्ट फंक्शन की लास्ट, फर्स्ट की लास्ट, लास्ट की फर्स्ट। और कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पर हम लोग अपना किसको, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को, स्टैंडर्ड होता है हमको मंजिल क्या था मेरा, हमको जाना कहाँ था, हमको क्या करना था, हम अपना स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच करते हैं और देखते हैं अगर कुछ गलती हो गया तो गलती क्यों हुआ, उस गलती को जानने का लोग कोशिश करते हैं। यही होता है कंट्रोलिंग। क्या था बाबू? कंट्रोलिंग। तभी तो दो बात आपको पढ़ा, एक तो उसका डेफिनेशन पढ़ा और एक उसका आपको मीनिंग पढ़ा। आपको करना क्या है अभी होगा ना, जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तो हम हर चैप्टर वाइज आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखवा देंगे। उस क्लास में खाली लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे जितना चैप्टर पढ़ाई हुआ, तब तक आप लॉन्ग क्वेश्चन को याद करिएगा। मतलब वो ऐसा नहीं कि वही लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, क्योंकि बीएसटीडी में लॉन्ग क्वेश्चन का वैरायटीज बहुत ज्यादा है, लेकिन तब तक आप इसको याद करेंगे वो सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन का आप याद करेगा तो ऑब्जेक्टिव आप मेरे ऊपर छोड़ देंगे, ऑब्जेक्टिव सारा हम आपको क्लास में करा देंगे और चैप्टर को रीडिंग करेंगे। बस ये तीन स्टेप में हम बीएसटीडी का पढ़ाई कंप्लीट करके अच्छा स्कोर बीएसटीडी में भी कर देंगे। जहां पर पहले आपको बुक रीडिंग करना है, खाली आपका काम है बुक को रीडिंग मारना, दूसरा काम है लॉन्ग क्वेश्चन को धीरे धीरे याद करते जाना। जैसे जैसे लॉन्ग क्वेश्चन देते जाएंगे आप धीरे धीरे आप याद करते जाएगा, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हो चुका है। ऑब्जेक्टिव आप छोड़ के रखेंगे क्योंकि एमसीक्यू पूरा हम क्लास में आपको करवाएंगे। बस एमसीक्यू में लगभग 11 से 1200 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हो जाएगा, क्योंकि एक तो टेस्ट पेपर में 40-45 क्वेश्चन रहता है। बच्चे सोचते हैं बाबा 1200 बोलने से कुछ नहीं था। अगर एक पेपर में 40 तो पेपर है, मतलब एक तो पेपर में 40 तो क्वेश्चन है, अगर 30 तो भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए तो 1200 क्वेश्चन तो ऐसे ही होते, कॉमन सेंस बस समझे ना। और तो इसीलिए आप ये मत सोचिए 1200 पे बहुत बड़ा बात नहीं है, समझ लेना आप। अच्छा एक तो क्वेश्चन आप किए फिर वो क्वेश्चन रिपीट होते तो छोड़ भी देंगे ना, कॉमन सेंस। तो इसे को थोड़ा स्ट्रेटजी के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। अच्छा बताइए ना प्लीज, कंट्रोलिंग फर्स्ट की लास्ट? अच्छा नहीं लग रहा, बोलिए सुबह सुबह बोलिए ना last. कंट्रोलिंग कैसा है फर्स्ट की लास्ट? और बताइए सबसे पहले एक मैनेजर प्लानिंग करेगा कि कंट्रोलिंग? प्लानिंग करेगा। और सबसे लास्ट में क्या करेगा? तो कंट्रोलिंग में आप अपना स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को, कोई भी काम जब आप करने आते हो तो आपको क्या करना है, जैसे आप मान लीजिए किसी दोस्त का शादी में जा रहे हैं तो आपको अपना दोस्त का रिलेटिव का निमंत्रण, शादी में निमंत्रण है, आप सोच ही गए थे कि हम 500 रसगुल्ला खाएंगे, कितना रसगुल्ला खाएंगे 500, लेकिन आप वहां पर जब गए उसके शादी में तो आप सिर्फ 200 खा पाए। टारगेट कितना बनाए थे? 500। खा कितना पाए? 300। क्यों नहीं खा पाए? क्योंकि रास्ता में भी आप चिकन खा लिए, रास्ता में कोई दोस्त मिला उसके घर में आके चिकन भी खा लिया, आप लालची प्रवृत्ति है आपका, जाके किसी के घर में खा लेते। तो देखिए कभी ना, जब भी हम लोग सुनिए, बड़ा सुंदर सा बात सुनिए, बात नहीं बाबू, जब भी कंट्रोलिंग चैप्टर आप पढ़ते हो ना, कंट्रोलिंग आपको जिंदगी में ये चीज सिखाता है कि जब भी आप अपने गोल तक नहीं अचीव कर पाते हो तो कुछ ना कुछ गलती हम लोग किए हुए रहते हैं। तो जब भी हम लोग अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसका रीजन होता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हम लोग किए रहते हैं। और वो गलती क्या है और वो गलती कौन सा हमने किया है? तो कंट्रोलिंग चैप्टर आपको ये शिक्षा देता है कि जिंदगी में अगर आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं तो आप एक बार रिव्यू करके देखिए, आप एक बार रिचेक करके देखिए कि वो कौन सा गलती है जो आपने किया और जिसके कारण आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाए। और अगर नहीं पहुंच पाए तो आप ये कोशिश करेंगे कि गलती दोबारा ना हो, क्योंकि इंसान गलती का पिटारा है, इंसान गलती करेगा। आप वो हम कोई भी व्यक्ति हो दुनिया में, कोई व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता, तो आप गलती तो सभी व्यक्ति करेगा, लेकिन आपको ये कोशिश करना है कि अगर कोई गलती आप एक बार कर दिए तो दोबारा नहीं करेंगे। तो एक बार जो होता है गलती होता है, अब बार बार जो होता है उससे क्या बोलते हैं? क्राइम। क्या बोलते हैं? आप क्राइम। मान लीजिए हम चाकू लेके आए थे, बस हम एक चाकू लेकर के आए, चाकू हम ऐसे ऐसे करके भाज रहे, मान लीजिए क्लास में ऐसे चाकू लेकर के भाज रहे, भूल से मान लीजिए राहुल का हल्का सा कट गया, ये गलती हुआ, चलो ठीक है एक बार बार। अब हम रोज चाकू लेके आ रहे हैं, रोज ऐसे ऐसे भाज रहे, आगे बड़ा हो ये क्या था बताइए? आराम से बाबू, ये क्या था बाबू बताइए? क्या था बाबू? क्राइम। ये क्या था बताइए? क्राइम। ये क्राइम हो गया, इसको बोलते ब्लंडर। क्या होता है बाबू? ब्लंडर, बड़का वाला मिस्टेक। अगर गलती बार बार करेंगे तो माफ नहीं किया सकता है, होता ना बहुत बार अपने पड़ा मोहल्ला में भी देखते हैं कि कोई एक बार गलती करता है तो आदमी क्या बोलता है कि माँ छेड़ दो बच्चा, छेड़े अच्छे भूले अच्छे, बच्चा होना तो और खतरनाक हो गया। क्योंकि इंडिया का जब लॉ पढ़ेंगे आप, अगला साल से लॉ सब्जेक्ट आपका आ जाएगा, लॉ में भी लिखा हुआ कि बच्चा लोग से दूर रहिएगा, बच्चा लोग से कॉन्ट्रैक्ट करने का नहीं है, बच्चा लोग को देखते ना मामा क्या बनेंगे? बच्चा मतलब 18 साल से कम का जो व्यक्ति है उन लोगों से दूर रहेंगे आप, टीनेजर ने 18 साल से कम के जो लोग हैं उन लोग, क्योंकि बच्चा के पास जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो चाकू नहीं होता है, बंदूक नहीं होता है, उसका बच्चा होना ही उसका हथियार है। एक बच्चा चाकू मार देगा, हम तो बच्चा है, हम तो बच्चा है, चोरी कर लेगा तो मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो बच्चा हूँ। तो इसीलिए आप लोग अभी जिसका जिसका 18 साल नहीं हुआ, आप लोग किसका जिसका 18 साल नहीं हुआ, एक बार वेरी गुड, आप लोग क्राइम कर सकते हैं। अब 18 साल देख के भाई 24 साल देख के भाई 24 साल लगा, बोलिए अब बोले 18 साल नहीं हुआ, अब देखिए आप लोग भी हद कर रहे हैं, देख के बच्चा 22-24 साल के लग रहे हैं, अब बोले 18 साल नहीं हुआ,
होता है किसी किसी का वृद्धि बहुत होता है शारीरिक वृद्धि। देखिए संजय बाबू देखिए तो आप समझ रहे ना हम क्या बोले। तो बाबू देखिए जब आप गोल को नहीं अचीव कर पाते हैं कुछ ना कुछ गलती हो जाता है। अब गलती क्या किया आपने, क्या कारण है उसका, उसको जानिए और जान करके उसको ठीक कर दीजिए। इसी को क्या बोलते हैं बाबू, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में ज्यादा क्वेश्चन टॉपिक का वैरायटी ज्यादा नहीं, कंट्रोलिंग का मीनिंग, कंट्रोलिंग का फीचर्स, कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस, कंट्रोलिंग का स्टेप्स, यही सब पढ़ाना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोलिंग का फीचर्स। क्या पढ़ेंगे बाबू, फीचर्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोलिंग के फीचर्स के बारे में। अब हम लोग कंट्रोलिंग का विशेषता पढ़ेंगे, कंट्रोलिंग के अंदर क्या क्या खूबी है, समझ गया ना कंट्रोलिंग क्यों जरूरी है। तो बीएसटीडी तो पढ़ ही रहे आप, कंट्रोलिंग आपको अपने जिंदगी के हर एक स्टेप में करना चाहिए। जब भी आप देख रहे कि कोई चीज आप नहीं प्राप्त कर पा रहे जीवन में, तो कुछ गलती किए होंगे आप, एक बार उसको देखिए, सोचिए कहीं ना कहीं गलती हुआ होगा। बस समझ रहे ना, आप रोज टारगेट बना रहे कि हम आज 6 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन आप पढ़ पा रहे आधा घंटा, एक तो सम्स निकाल रहे आप बनाते बनाते रात वगैरह सम्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे आप। इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि सम्स आपको समझ नहीं आ रहा, इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आप सम्स बनाते बनाते चीट चैट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चीट चैट। आपको ये चिंता है कि व्हाट्सएप का सर्वर कहीं डाउन हो गया, आपको ये चिंता है कि फेसबुक का सर्वर डाउन कर, आप क्या होगा मेरा, दुनिया में मेरा कौन सहारा देगा अगर फेसबुक बंद हो गया तो। बस में कल तो रात में ऐसा हुआ होगा कि बच्चे लोग तिलमिला गए होंगे, बस कैसे बात करेंगे। और मैसेज वाला जमाना तो खत्म हो गया ना, नॉर्मल मैसेज वाला तो जमाना खत्म हो गया, अब किसको उतना मैसेज पढ़ने का टाइम है कि नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज करेगा। तो बाबू देखिए कोई भी गलती अगर लाइफ में होता है उसके पीछे कुछ कारण होता है, कारण को जानिए और जानने के बाद कोशिश करिए कि गलती दोबारा ना हो। ठीक है, यह था कंट्रोलिंग का अर्थ। अब हम लोग कंट्रोलिंग का विशेषताएं पढ़ेंगे, आइए फीचर्स पढ़ते हैं, बट मीनिंग पढ़ के सुना दे बाबू। पहला जो लाइन दिया ना दो इंट्रोडक्शन वाला, वो लाइन नहीं पढ़ेंगे आप, क्योंकि ज्ञान दिया हुआ। क्या दिया बाबू, सर अगर पढ़ लिए तो टाइम बर्बाद करने के लिए आपके पास है तो पढ़ सकते हैं। मीनिंग पाइए, कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। अब अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपना प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हो, इफ देयर इज एनी डिफरेंस, और अगर आपको लगता है कि कुछ कमी रह गया है, कुछ डेविएशन रह गया है, कुछ दूरी रह गया, कुछ फासला रह गया, तो आप उसका कारण ढूंढते हो और आप नेसेसरी स्टेप्स लेते हो जिससे कि यह दोबारा गलती ना हो। यही था कंट्रोलिंग का मीनिंग। अभी अगला टॉपिक हम लोग का नेचर ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का क्या क्या नेचर है और क्या क्या फीचर्स है। तो नेचर बोलिए, फीचर्स बोलिए, यही चीज आपको पढ़ाने है। पॉइंट नंबर वन ये है कि कंट्रोलिंग इज गोल ओरिएंटेड, बिना गोल का बाबू कंट्रोलिंग नहीं होता। गोल मतलब टारगेट, कोई भी कंट्रोलिंग जब आप करते हैं किस चीज का कंट्रोलिंग कर रहे हैं, जैसे कोचिंग पढ़ रहे हैं आप, पढ़ाई में आपका कुछ कमी हो गया उसका कंट्रोलिंग अलग होगा। अगर क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और टीम आपका हार गया उसका गलती कुछ और हुआ होगा। देखिए जो मिस्टेक हम लोग क्रिकेट के ग्राउंड में करते होंगे वही मिस्टेक हम लोग पढ़ाई के ग्राउंड में तो नहीं करते होंगे, जो मिस्टेक हम लोग फुटबॉल के मैच में करते होंगे वही मिस्टेक आप दौड़ने में तो नहीं करते होंगे। सबका अलग अलग कारण होता है। तो जब भी आप कंट्रोलिंग करने के लिए जाते हो तो आप सबसे पहले देख लीजिए कि आपको किस चीज का कंट्रोलिंग करना है। तो कंट्रोलिंग इज गोल ओरिएंटेड, कंट्रोलिंग गोल से जुड़ा होता है। हर एक कंट्रोलिंग करने के पीछे एक गोल होता है। क्या होता है दोस्तों, बोलिए ना, गोल होता है। कंट्रोलिंग इज क्या ओरिएंटेड बाबू, गोल ओरिएंटेड। दूसरा पॉइंट क्या बताइए, यस कंट्रोलिंग इज परवेसिव फंक्शन। बाबू परवेसिव मतलब क्या होता है, परवेसिव का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज जो हर जगह पाया जाता हो, जो हर जगह पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं बाबू, परवेसिव। क्या बोलते हैं, परवेसिव का मतलब होता है समथिंग विच हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। कोई भी ऐसा चीज जिसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, परवेसिव। परवेसिव मतलब जो हर जगह पाया जाता है, जो हर जगह पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं बाबू, परवेसिव। क्या बोलते हैं बोलिए ना, परवेसिव का मतलब होता है समथिंग विच हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। दुनिया में कोई भी ऐसा चीज जो हर जगह पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं बाबू, परवेसिव। क्या बोलते हैं, तो कंट्रोलिंग हर जगह पाया जाता है, चाहे छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, आपका जिंदगी हो, कोचिंग सेंटर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कंट्रोलिंग हर जगह पाया जाता है। इसीलिए कंट्रोलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, परवेसिव। क्या बोलते हैं, बोलिए ना, ये कहीं कहीं पाया जाता है, हर जगह, हर जगह या कहीं कहीं, बोलिए ना। उसके बाद क्या देखिए अगला बाबू, कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। बैकवर्ड मतलब होता है पीछे देखना, फॉरवर्ड मतलब होता है आगे देखना, नीचे देखना। बैकवर्ड मतलब पीछे, फॉरवर्ड मतलब आगे, बैकवर्ड मतलब पीछे, फॉरवर्ड मतलब। तो कंट्रोलिंग को बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों बोला गया है। पूछेगा एग्जाम में कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड फंक्शन, फॉरवर्ड फंक्शन या दोनों फंक्शन, तो क्या बोलिएगा, क्यों? कंट्रोलिंग इज डन फॉर द फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट। कंट्रोलिंग हम लोग पास्ट के आधार पर करते हैं, पास्ट में कुछ गलती की है तो पास्ट से हम लोग एक शिक्षा मिलता है, वो गलती को समझ करके हम लोग ये कोशिश करते हैं कि गलती दोबारा फ्यूचर में ना हो।
तो पास्ट का गलती जो है ना वो आपको एक अच्छा फ्यूचर बनाने में हेल्प करता। पास्ट में जो आप कर चुके हो उसको तो आप नहीं सुधार सकते क्या बताइए। आप पास्ट में कुछ गलती की तो उसको तो नहीं ठीक कर सकते, लेकिन आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आने वाला भविष्य में वो गलती आपसे दोबारा ना हो। तो कंट्रोलिंग इज डन फॉर द फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट। कंट्रोलिंग किसके लिए करेंगे आप, वो फ्यूचर के लिए। किसके आधार पर करेंगे बताइए, पास्ट। तो कंट्रोलिंग भविष्य के लिए करते हैं, पास्ट के आधार पर करते हैं। कंट्रोलिंग इज डन फॉर द फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट। कंट्रोलिंग फ्यूचर के लिए करते हैं किसके आधार पर बाबू, बोलिए ना। इसीलिए कंट्रोलिंग को बोथ बैकवर्ड फॉरवर्ड बोलते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए किया जाता है, पास्ट के आधार पर किया जाता है। इसीलिए कंट्रोलिंग को बोलते हैं बोथ बैकवर्ड फॉरवर्ड, बोथ, बोलो ना। तो कंट्रोलिंग इज डन फॉर व्हाट, फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड या दोनों, देखिए लिखा होगा, हो गया ना बाबू। लास्ट पॉइंट देखिए, कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। फिर वही पुराना बात, जैसे प्लानिंग का जो फीचर्स था, जैसे मैनेजमेंट का जो फीचर्स था, लगभग ज्यादातर पॉइंट आपका सब में सेम ही मिलेगा। बोला है कंट्रोलिंग जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस मतलब कंट्रोलिंग कभी कभी होता है या हमेशा, बोलो ना, बोलो क्या हुआ बाबू, नाश्ता नहीं किया, जोर से बोलो, हाँ नहीं किया, ओके तो कर दीजिएगा जाके। कंट्रोलिंग इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंट्रोलिंग हमेशा होता है। तो यहाँ पर चार बात हमने आपको पढ़ाया, चार कैप्सूल हमने आपको दिया है, चार कैप्सूल आप सब पूछते हैं, आपको बताइए जल्दी बताइए। कंट्रोलिंग फर्स्ट फंक्शन की लास्ट, तो ये वाला भी एक तो पॉइंट में आप ऐड कर सकते हैं। चार पॉइंट है ना, तो मान लीजिए आपको पांच पॉइंट लिखे हमारे, तब एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं, इस लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन कौन सा बताइए, प्लानिंग टू कंट्रोलिंग, बोलो ना, कंट्रोलिंग। अब बताइए कंट्रोलिंग में हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर की गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर के गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं हम लोग, ये कोशिश करते हैं जिससे कि फ्यूचर में गलती हम लोग का पास्ट के बेसिस पर। पास्ट में बहुत गलती की आप, बहुत गलती की, गलती पे गलती करते जा रहे हैं, खतरनाक गलती की आप। तो जब पास्ट में गलती कर ली तो हम ये कोशिश करेंगे कि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो, समझे बाबू। तो हम आपसे पूछते हैं, बताइए कर, जो सवाल है मेन सवाल है, कंट्रोलिंग इज द फर्स्ट फंक्शन या लास्ट, फर्स्ट की लास्ट, लास्ट या फर्स्ट। और बताइए मैनेजमेंट में जो होता है कंट्रोलिंग, तो लास्ट फंक्शन है। अब बताइए कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है, ये बात समझ आ रहा है, बट कंट्रोलिंग जो है वो कभी कभी होता है या हमेशा, हमेशा। इसको वन टाइम बोलेंगे या कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। उसके बताइए कंट्रोलिंग जो है इसमें गोल होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। उसके बताइए कंट्रोलिंग जो है वो बैकवर्ड होता है, फॉरवर्ड होता है, दोनों होता है। और बताइए कंट्रोलिंग जो है वो कहीं कहीं पाया जाता है, हर जगह, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, परवेसी। क्या बोलते हैं, इट इज परवेसिव, इट इज कंटिन्यूअस, इट इज बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, एंड इट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज गोल ओरिएंटेड। पांच पॉइंट हो गया हम लोग का, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट निकालिए, आइए देखिए। कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस आर लिमिटेशन आपको हम लास्ट में पढ़ाएंगे, पहले आपको हम पढ़ाएंगे पेज नंबर 54 में आ जाइए, दो क्लास लग जाएगा इसको करने में। पेज नंबर 54 में आ जाइए, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का प्रोसेस पहले समझेंगे ना तो आपको इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन समझने में सुविधा होगा। अभी हम लोग कंट्रोलिंग का प्रोसेस, बंगाल बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का क्या स्टेप्स है बताइए ना, कंट्रोलिंग का क्या स्टेप्स है बताइए ना। तो कंट्रोलिंग का स्टेप्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्टेप्स को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ना किताब में इतना बड़ा पॉइंट लिखा हुआ है, देखो देखो कितना पॉइंट लिखा हुआ है बाबा, कैसे याद होगा एग्जाम में, याद आराम से होगा। पॉइंट्स हम आपको अभी याद करा देंगे बोर्ड में, बस आपको क्या करने का है, उसके अंदर का जो कंटेंट है उसको किताब से रीडिंग करेंगे। डीएसटीडी में लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा बहुत बना करके भी लिखेंगे तो सही रहेगा, लेकिन जो हमेशा से ही आपको कहते हैं बनाने का, भाषा थोड़ा सही होना चाहिए। इज एम आर सब लगा दे रहे एक साथ, कंट्रोलिंग इज एम आर, वेरी गुड, तो कहां से होगा, बस अभी रहना। देखिए अंग्रेजी ठीक होना बहुत जरूरी है, लोग कहते हैं ना इंग्लिश इज नॉट एवरीथिंग, तो देखिए इंडिया जैसे देश में इंग्लिश इज एवरीथिंग, याद रखिएगा। बस देखिए ध्यान देना बहुत आसान होता है, आप लोग होता है ना बहुत बार आप सुनोगे इंग्लिश इज नॉट एवरीथिंग। देखिए इंग्लिश, इंडिया जैसे देश में इंग्लिश का महत्व है अभी भी, हम लोग के देश में इंग्लिश को लोग बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, बस हमें ना। तो बताइए अगर इंग्लिश इज नॉट एवरीथिंग तो हिंदी इंग्लिश में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, कॉमन सेंस, हिंदी में पढ़ते हैं ना, बस हमें ना शुद्ध हिंदी में पढ़ते हैं, नियंत्रण कंट्रोलिंग मतलब नियंत्रण, बस बिजनेस मैनेजमेंट व्यवसाय प्रबंधन शुद्ध हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन नहीं आप समझिए हिंदी ज्यादा कठिन हो जाता है, बस हमें ना ऑडिट का उसमें पढ़ा पेपर सॉल्व कराया था तो हिंदी में पेपर दिया हुआ था, इंग्लिश बंगला हिंदी तीनों में रहता है तो हिंदी में दिया रहता है पेपर, हिंदी का पेपर बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, हिंदी समझ ही नहीं आ रहा था क्या लिखा हुआ, जबकि हम लोग आपको पूरा प्योर हिंदुस्तानी है, बस मेरे एक तो हम लोग इंडिया में रहते हैं, ऊपर से हम लोग बिहारी है, तो हम लोग हिंदी और अच्छा है, फिर भी जब पढ़ते हैं हिंदी तो देखिए बहुत सारा शुद्ध हिंदी है ना, दिक्कत होगा आपको, एक तो हिंदी बोलना है, एक तो शुद्ध हिंदी बोलना, दोनों को फर्क है।
तो आपको इंग्लिश भी थोड़ा बहुत ठीक रखना पड़ेगा बाबू। तो आइए इसी बात पे सारा स्टेप हम लोग रटने का चेष्टा करेंगे। क्या करेंगे बाबू? चेष्टा। आइए देखिए 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 ना प्लीज बोर्ड में अभी हमें सारा स्टेप हम उतारेंगे, आप ध्यान देना, भूल जाओ किताब को ध्यान मत दो, अभी दे दो। देखो सबसे पहला स्टेप में बनाया जाता है स्टैंडर्ड, फिर होता है एक्चुअल, फिर होता है कंपैरिजन। देखिए इसको हम कंसाइज करके अभी लिखाएंगे, कंपैरिजन, उसके बाद होता है डेविएशन और उसके बाद होता है करेक्शन। अब किताब में क्या लिखा हुआ आपको दोनों डॉलर आते हैं, पहले आप स्टेप्स को देखिए। ये पांच स्टेप में कंट्रोलिंग खत्म आया था, कंट्रोलिंग का यही पांच स्टेप है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा ना, अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग, अगर आपसे कोई पूछता है कि कंट्रोलिंग का क्या क्या स्टेप्स है, तब क्या आंसर देंगे, वो हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग। एक मिनट जो क्वेश्चन पेपर आया किसी का, जनरल फाइनेंस रिपोर्टिंग, दो मिनट टाइम दीजिए बाबू, ये अकाउंट्स का पेपर है, धीरे धीरे सॉल्व करके भेज दीजिए ना प्लीज, हम क्लास करवा रहे हैं। एक मिनट टाइम दीजिए बाबू, अब ये अकाउंट्स का पेपर है, इसको धीरे धीरे सॉल्व करके भेज दीजिए ना, हम क्लास करवा रहे हैं। अरे बच्चों देखिए बाबू बात नहीं, देखिए कंट्रोलिंग क्या होता है बाबू, जब हम लोग कंट्रोलिंग का स्टेप्स क्या है, कंट्रोलिंग जब आदमी करता है तो सबसे पहले आदमी अपना स्टैंडर्ड बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? तो कंट्रोलिंग जब आदमी करता है तो उसमें सबसे पहले अपना क्या बनाता है बताइए? यस, तो कंट्रोलिंग जब आदमी करता है तो सबसे पहले अपना स्टैंडर्ड बनाता है। स्टैंडर्ड मतलब हमको करना क्या है, तो जैसे मान लीजिए हमने सोचा था, जैसे आपने सोचा था कि आपको 90% लाना है, ये आपका स्टैंडर्ड हो गया बाबू। तो आदमी सबसे पहले ये सोचता है कि उसको करना क्या था, मतलब सबसे पहले वो अपना स्टैंडर्ड को सोचता है। चंदन को बोलिए ऑनलाइन आने के लिए आओ, पेपर सॉल्व करना है, फोन करिए उसको, चंदन को फोन करके बोलिए ऑनलाइन आने के लिए जल्दी। देखिए आप तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे बताइए, बोलिए ना। तो आप अपना स्टैंडर्ड सेट की उच्च माध्यमिक में 90% लाना है, उसके बाद आप देखिए अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस आप देखिए आपका मार्क्स सारा 35%। अरे आप सोचे कितना थे, जस्ट एन एग्जाम्पल, सोचे कितना थे और आया कितना? नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दो मिनट टाइम दीजिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, देखिए देखते हैं, एक मिनट टाइम दीजिए, पेपर इसका सॉल्व करना है। बाबू एक मिनट रुक जाइए, देखिए बस बस इधर ही हो गया काम, हो गया। देखिए सुनिए, आप सोचे थे और थोड़ा कम कर दे रहे, चलिए आप सोचे थे ना इतना देर बात किया, इससे भी मार्क्स कम हो जाएगा। देखिए आप सोचे क्या थे बताइए? 90, बात नहीं, आपका स्टैंडर्ड क्या था? 90, आप लाए कितना? 30। तो आप दोनों को तुलना किए, 90 versus 30, डिफरेंस कितना हो गया? 60% आप नेगेटिव में जा रहे, 60% आप कम लेके आए, क्यों 60% कम लाए? उसको गलती की, जो भी गलती की वो आपको पता है क्या गलती कर रहे आप, बस नहीं ना क्या गलती कर रहे हैं, क्या गलती हो रहा है, कुछ तो गलती आप किए होंगे, आप होमवर्क नहीं किए, आप घर में रिविजन नहीं किए, घर में टाइम नहीं दिए, आप पढ़ाई से ज्यादा किसी और को टाइम दिए, तो ये कुछ ना कुछ तो गलती हुआ होगा। देखिए याद रखिएगा,
कुछ जब भी आपको पहले तीन पॉइंट से ही पढ़ा रहे, जब भी हम लोग अपना गोल पे नहीं पहुंच पाते ना, तो हम लोग ये देखते हैं कि अपना गोल पे क्यों नहीं पहुंच पाए। आप जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम, ट्वेल्थ का एग्जाम दे देंगे, जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे, आप सोचेंगे हम 90% सोचे थे, मेरा 30% आया, मैच किए तो 60% कम आया, क्यों कम आया, कुछ तो गलती हम किए होंगे। और अगर कोई गलती हम किए हैं तो उस गलती को कैसे सुधारें जिससे कि फर्स्ट ईयर में मेरा रिजल्ट खराब ना हो। माध्यमिक में ऑलरेडी आप एक बार गलती कर चुके हैं, क्यों माध्यमिक में इतना कम मार्क्स आया हुआ है, तो जब ऑलरेडी गलती कर चुके हैं तो आपको ये कोशिश करना है कि उच्च माध्यमिक में गलती ना हो। बट क्या होता है ना, बात नहीं, इंसान का प्रॉब्लम क्या है, एक बार गलती करता है बोले इस बार ठीक हो जाए, अब अगला बार से ऐसा नहीं करें, फिर अगला बार जाता है वही गलती को रिपीट कर दे रहे। अब ये पूरा कंट्रोलिंग का स्टेप्स देखिए तो पता है, सबसे पहले एक आदमी अपना क्या बनाता है, फिर वो अपना क्या चेक करता है, फिर दोनों को क्या करता है, कंपैरिजन, कंपेयर करके क्या निकलता है, डेविएशन, डेविएशन मतलब गैप, डेविएशन मतलब, और डेविएशन निकलने का डेविएशन को क्या करता है, करेक्शन, करेक्शन मतलब अगर कुछ गलती हुआ है तो हम ये कोशिश करेंगे कि गलती दोबारा ना हो कोई भी काम। जैसे मान लीजिए हम एक फैक्ट्री चला रहे, तो हम लोग का जो वर्कर लोग है वो लोग टारगेट बनाया था कि एक दिन में हम लोग को 1000 पीस पेन बनाना है, लेकिन वो देखा कि वर्कर लोग 600 पीस पेन बना पाया, 600 पीस पेन बना पाया, दोनों को कंपेयर किए 1000 वर्सेस 600, तो कितना डिफरेंस आया, 400। क्यों 400 कम आया, क्योंकि मान लीजिए लोड सेटिंग हो गया था, या उसमें से कोई वर्कर का तबियत खराब हो गया था, या कुछ भी प्रॉब्लम हो गया होगा, इस कारण से अपना गोल को अचीव नहीं कर पाए, तो हम अगला बार से ये ध्यान देंगे कि वो गलती दोबारा ना। अगर हम देख रहे हैं बार बार लोड सेटिंग हो रहा कंपनी में, तो हम क्या करेंगे, एक तो वो क्या बोलते हैं, जनरेटर टाइप का लगा देंगे जिससे कि लाइन नहीं जाएगा, पावर कट नहीं होगा, पावर कट का इश्यूज नहीं होगा। अगर हम देख रहे हैं कि माहौल मतलब इन्वायरमेंट सही ना होने के कारण वर्कर तबियत खराब हो रहा है, उसका व्यवस्था हमको करना पड़ेगा। तो हर गलती से इंसान कुछ ना कुछ सीखता है, और वो सीख करके वो कोशिश करता है कि वो गलती दोबारा ना हो। तो अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का स्टेप्स क्या है, तो जब आप कंट्रोलिंग करने जाते हो तो सबसे पहले आप अपना क्या बनाते हो, तो जब भी जिंदगी के जिस भी मोड़ पर आपको ये महसूस हो कि आप कुछ गलती कर रहे हो, तो आप देखना कि गलती का क्या कारण है, और ये स्टेप को आप फॉलो कर रहे हो, और आपको 2 मिनट में अपना गलती बता देंगे, 2 मिनट में अपना गलती को जानने का बहुत ही सुंदर तरीका है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या गलती कर रहे हैं, तो आप पहले देखिए कि आप क्या सोचे थे, फिर देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, फिर देखिए कि दोनों में क्या, कंपेयर करके देखिए, दोनों में कंपेयर करके देखिए कि कहां गलती हो गया, और अगर गलती हुआ तो उसका कारण क्या है, और अगर कुछ कारण है तो उसको कोशिश करेंगे कि दोबारा वो गलती ना हो। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका परिवार हो, किसी भी फील्ड में अगर आप देख रहे हैं कि मेरा गलती बार बार हो रहा है, आप सोचे थे कि हम पढ़े लिखे, बार बार गलती हो रहा है आपसे, क्यों गलती हो रहा है, किसने गलती, वो कौन सी चीज है जहां हम गलती कर रहे हैं, जो गलती करे उसको कोशिश करेंगे सुधारने का, यही तरीका होता है। तो एक बार बताइए, सबसे पहले आदमी कंट्रोलिंग करने आए तो क्या बनाएंगे, बोलो Standard. उसके बाद क्या चेक करेगा, एक्चुअल स्टैंडर्ड एक्चुअल को मिलने के बाद क्या करेगा, कंपेयर करने का क्या निकलेगा, डेविएशन का क्या होगा। चलिए भाई साथ में बताते हैं, सबसे पहले स्टेप क्या, सबसे पहले क्या खोजेंगे, फिर क्या चेक करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, कंपैरिजन, कंपेयर करने का क्या निकलेगा, डेविएशन का क्या करना होगा। ये पूरा स्टेप जो है ये आपका कंट्रोलिंग का स्टेप्स हो गया। चलिए बताते जाइए, सबसे पहले व्हाट यू विल डू, यू विल सेट द स्टैंडर्ड, आफ्टर दैट व्हाट यू विल चेक, एक्चुअल, देन आप दोनों का क्या करेंगे, कंपैरिजन, कंपेयर करके क्या निकल जाएगा, डेविएशन का क्या करना होगा। ओ वाह, वेरी गुड। तो अगर आपसे एमसीक्यू में इसी क्वेश्चन को डाल के पूछे कि कंट्रोलिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, स्टैंडर्ड बनाना, क्या बनाना, एमसीक्यू में भी पूछता है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का पहला स्टेप क्या है, सेटिंग द स्टैंडर्ड, सेटिंग द, और व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग, करेक्शन, एमसीक्यू क्वेश्चन। इस टॉपिक से एमसीक्यू कैसे देगा कि फर्स्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, पूरा स्टेप्स बताइए, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, फिर क्या देखेंगे, देखने का दोनों का, फिर क्या निकलेगा, डेविएशन का क्या करना होगा, यस और नो, फिर से बोलिए, सबसे पहले क्या बनाएंगे, फिर क्या होगा, दोनों का, उसके बाद क्या निकलेगा, डेविएशन का क्या करेंगे, बस में ना। तो स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग पूछेगा, तो ये पांचों स्टेप्स तो आप याद रखिएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द लास्ट स्टेप, तो कोई बच्चा, कौन बच्चा बताएगा ये पांचों स्टेप बिना देखे हुए, बताइए पांचों स्टेप बताना। हाउ डाउ भाई, ट्राई ना ट्राई, चैलेंजिंग क्वेश्चन, देखो कौन डर के आगे जीते। हाउ डाउ भाई, राहुल आकाश बोलिए, बहुत दिन बाद। नेक्स्ट कौन बोलेगा, सबसे पूछेंगे कौन बोलेगा, हाउ डाउ, रुद्राव बोलिए, नेक्स्ट कौन बोलेगा भाई, ट्राई करो, अंकिता बोलिए, बाबू
नेक्स्ट कौन बोलेगा, बोलिए बाबू पीछे से कोई बच्चा हर्ड है, बैक बेंचर, एनीवन, कोई पीछे से कोई नहीं, क्या हो गया आकाश बादल, बोलिए गुस्सा में क्यों बाबू सेशन में क्या प्यार से चलाती है ना, प्यार से स्टैंडर्ड एक्चुअल, इतना गुस्सा में बोले प्रोसेजर में, और कोई एनीवन एल्स, क्या हुआ हाल, क्या हो गया आपका हाथ को, ज्योति हल्ड है बाबू, बोलिए नेक्स्ट वन ट्राई करूँ ना क्या हो जाएगा, नहीं याद होगा तो छुट्टी नहीं मिलेगा, सुबह बोलिए आप उधर देखा सुबह बोलिए बोलिए अच्छी कोशिश तो कर रहे ना बाबा, तो आपका आदत क्या है वो कमेंट करने का, अब अपने बोलिए करेक्शन, वेरी गुड, देखिए बाबू गलत हो यार, सब बच्चे नहीं बोलेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, इधर देखिए इधर देखिए, फिर कंट्रोलिंग करना पड़ेगा आपको, फोन पर ध्यान दे रहे आप, स्टेप्स देखिए कंट्रोलिंग का, क्यों देखो आत्मविश्वास के साथ हमें कह सकते कि आप घर में नहीं पढ़ रहे, तो कम से कम कोचिंग में ध्यान दीजिए, इधर देखिए स्टेप्स, इधर आ जाओ बाबू, इधर देखो राहुल माया जाल में फंस रहे हो, बताओ सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या बनाते हैं आप, उसके बाद अपना क्या देखोगे, उसके बाद कंपैरिजन करने के बाद डेविएशन के बाद, तो बोलो फर्स्ट स्टेप लास्ट स्टेप, फिर हम बुक में पढ़ के सुनाएंगे आपको, अब बुक में देखिए क्या लिखा हुआ है, बुक में स्टेप्स को देखिए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, लेकिन लिखने का भाषा अलग होता है याद करने का भाषा अलग होता है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड उसे देखिए, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने का एनालाइजिंग द डेविएशन, डेविएशन निकालेंगे, और उसके बाद टेकिंग द करेक्टिव एक्शन, जो उचित तरीका होगा स्टेप्स होगा वो हम लोग आजमाएंगे और कोशिश करेंगे कि गलती ना हो। तो हम आपसे स्टार्टिंग से पूछने बताइए, कंट्रोलिंग इज अ फर्स्ट फंक्शन या लास्ट, अभी तो आज दो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े, पहला पढ़े फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोलिंग, दूसरा पढ़े हैं स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग, तो जल्दी बताइए कंट्रोलिंग इज अ फर्स्ट की लास्ट, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, अच्छा कंट्रोलिंग कहीं कहीं या हर जगह, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं परवेसिव, क्या बोलते हैं बोलो बोलो ना, उसके बाद कंट्रोलिंग जो है, कंट्रोलिंग जो है वो फर्स्ट है की लास्ट है, एकदम बोलना है बाबू, उसके बाद कंट्रोलिंग का गोल होता है कि नहीं होता है, हाँ या नहीं, यस और नो, राइट या रॉन्ग, वेरी गुड, सब आसपास मोहल्ला जितना सो गया सबको जगा देंगे, बस हमें जितना पढ़ाने आदमी जाग सोया हुआ सबको जगा देंगे, पढ़ाई स्टार्ट हो गया बच्चा लोग, बस समझे ना, उसके बताइए कंट्रोलिंग जो है, कंट्रोलिंग जो है वो कभी कभी होता है हमेशा, आपका सांस कभी कभी चलता है हमेशा, आपका दिल कभी कभी धड़कता है हमेशा, आपका फेवरेट लाइन अभी भी बोलते हो, इतना बड़ा होगा, इतना साल से पढ़ा रहे आपको, दो साल से ट्यूशन पढ़ा रहे आप लोग, बहुत सारे बच्चे तो 11 में भी पढ़ रहे, 12 में भी पढ़ाने वाला, 5 साल भी पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, बस समझे ना, तो आप इतना दिन से पढ़ रहे हैं लेकिन आप लोग अभी तक नहीं सीख पाए, अभी भी आप मायन में किसी किसी को बोली देते हो मैं दिल तुम्हारे लिए धड़क रहा, अभी भी बोल देते हो बोलो, जब पता चलता, सुनिए जब पता चलता है कि कोई किसी किसी बच्चा का कंप्लेन आता है, कल भी एक बच्चा का कंप्लेन आया आपको बताते हैं, कल शाम को एक बच्चा का, बच्ची बोली कि एक बच्चा बोला कि आप हमसे बात करेंगे तो मर जाएंगे, बच्चे में बोल रही थी कि भैया ऐसा ऐसा बात है, हमें ठीक है अपना हिसाब से बात कर लेंगे, बस नहीं ना, तो बस अभी भी मतलब आप लोग का ही तरह एक बच्चा 12 में पढ़ता है शाम वाला बैच में, वो बोल रहा है कि हम मर जाएंगे हमसे बात करिए, बताइए अभी भी सब बात बोलना पड़ा आप लोग इतना बड़ा, तब मेरा पढ़ाना व्यर्थ होता, बहुत दुख लगा, समझे ना, देखिए जब वो बोला नहीं बात, हम 15-20 मिनट सोचते रहे क्या हो गए, हमें क्या पढ़ाए हम कि बच्चे लोग सीख नहीं पाए, हमको चिंता ये नहीं कि वही बात बोला, हमको चिंता ये कि हम क्या पढ़ाए, किसी पर प्रभाव नहीं पड़ा मेरा बात, पढ़ा पढ़ा के थक गए, पत्थर दिल इंसान है, बस समझे, तो बाबू समझे ना, तो कभी कभी नहीं होता है, कैसे होता है बाबू, हमेशा कंट्रोलिंग हमेशा होता है, तो समझे ना, कंट्रोलिंग हमेशा है, कंट्रोलिंग परवेसिव है, कंट्रोलिंग गोल ओरिएंटेड है, बस समझे, कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है, ये पढ़े, अब कंट्रोलिंग का स्टेप्स आप लोग बताएंगे, देखते हैं कौन बताता है, अच्छा कंट्रोलिंग में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेप क्या होता है, करेक्शन, अब आप लोग बताइए, पांचों स्टेप्स, मोबाइल वोबाइल को छोड़ दिया करिए क्लास में, जब आप लोग आते तो दिख जाता ना किसी के हाथ में मोबाइल चला, तुमको अंदर से बुरा लग जाता है, देखिए देखिए आपको सबसे पहले एक मैनेजर अपना क्या सेट करेगा, फिर क्या चेक करेगा, दोनों का क्या होगा, क्या निकलेगा, क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले क्या बनाएंगे, फिर क्या होगा, फिर क्या निकलेगा, फिर अब बताइए, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा, पांचवा, लास्ट स्टेप नीचे खाली बाकी है। ठीक है, बताइए व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग। उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, बस ये दिशा बाकी है। देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल सब पॉइंट ले लिए। अच्छा लास्ट पॉइंट ना, फिर इसके खत्म कर देंगे क्लास। सबसे पहले फिर लास्ट है, लास्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ। देखिए ये आपका बेनिफिट है, इसमें मेरा कोई बेनिफिट है, मैं गलत खराब हो जाता है। देखिए सर तो बताइए सबसे पहले एक मैनेजर, सबसे पहले एक मैनेजर अपना क्या बनाएगा, फिर दोनों का, फिर क्या निकलेगा उसका, क्या करेंगे। अब आस्ते आस्ते बोले प्यार से, चला चला के बोल रहा, अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा बताइए सबसे पहले एक मैनेजर क्या बनाएगा, ऐसे उसके बाद इतना आस्ते है क्या यार, से मधुर स्वर में बोलिए। अच्छा सबसे पहले एक मैनेजर क्या बनाएगा, अच्छा मिठा दरिया से देख के बोलो ना, तो अच्छा नहीं लगेगा। सबसे पहले क्या बनाएगा, फिर दोनों का, फिर क्या निकलेगा, फिर। ठीक है अब आप लोग से लास्ट टाइम पूछ के बताइए, एक बार और बताइए सबसे पहले एक मैनेजर अपना क्या बनाएगा, फिर दोनों का, फिर क्या निकलेगा, फिर क्या करेंगे। लास्ट टाइम, लास्ट मोमेंट। देखिए अगले दिन खत्म हो जाएगा चैप्टर, दो क्लास का ही टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। इधर आइए व्हाट इज द, इंग्लिश से पूछे, हिंदी बहुत, तब से हिंदी बात करते हैं, दो तीन बार इंग्लिश में पूछे। बताइए व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग, व्हाट इज द सेकंड स्टेप, व्हाट इज द थर्ड स्टेज, इंग्लिश है मेरे क्या बोलिए, कंपैरिजन, व्हाट इज द फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज। इस बार तो इंग्लिश सिखा दिया, अब आप लोग बोलेंगे लास्ट टाइम, लास्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ। बताइए व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग, व्हाट इज द सेकंड स्टेज, व्हाट इज द थर्ड स्टेज, व्हाट इज द फोर्थ स्टेज, व्हाट इज द लास्ट स्टेज। लास्ट मोमेंट, लास्ट टाइम, लास्ट टाइम, लास्ट टाइम। देखिए सर वेक्सल का प्रचार देखे ना, दाग लगने से कुछ अच्छा होता तो दाग अच्छे। अब जब बाहर में आप जाएंगे ना, अब दिमाग में यही स्टेप घूमता रहेगा। लास्ट टाइम, लास्ट टाइम बताइए, रुको। देखिए समय से पहले गिरा हुआ हम भी सड़ा हुआ होता है, तो जब क्वेश्चन नहीं पूछा जाए तो नहीं बोलना चाहिए, तो ये अबनॉर्मलिटी का पहचान होता है। इधर देखिए, इधर आ जाओ, आ जाओ, लास्ट को पक्का छुट्टी दे देंगे। देखो बताइए मैनेजर, एक बार हिंदी में, एक बार इंग्लिश में, बस ये मैनेजर यार से एकदम सबसे पहले क्या करेगा, फिर क्या करेगा, फिर दोनों का क्या निकल जाएगा, फिर क्या करना पड़ेगा। अब इंग्लिश में एक मैनेजर सबसे पहले क्या बनाएगा, फिर क्या देखेगा, फिर दोनों का, फिर। थैंक यू सो मच, गो टू नहीं हो गया।